नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर छीमक से है, जहां छीमक पंचायत में आज मंगलवार की दोपहर 1:30 पर नायब तहसीलदार पूजा मांबई के द्वारा 9 पंचायतों के सचिव और पटवारियों की बैठक ली गई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर गंभीरता से लोगों की जानकारी जुटाने के विषय में कहा गया कि 9 पंचायतों को सचिव अपनी पंचायत की जानकारी लेके ही कौन कहां से आया है और इसके विषय में स्वास्थ्य विभाग एवं तहसील द्वारा पुलिस विभाग को तुरंत सूचित करें और लोगों की जाँच करवाएं। और उसके बाद नायब तहसीलदार पूजा मांबई ने बस स्टैंड पर खुली जूस की दुकानों को बंद कराया। उसके बाद छीमक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लगी भीड़ को हटवाया, लोगों से लॉकडाउन का पालन करने को कहा और सभी लोगों को 1-1 मीटर की दूरी की लाइन लगवाई और दूरी के साथ साथ मुंह पर मास्क और गमछे भी लगवाए। छीमक से संवाददाता बीरेन पराशर की खास रिपोर्ट। कितने बजे तक है जूस का ऑर्डर? चलो बढ़ा के, चलो बाहर निकलो, चलिए। मैडम ये मीटिंग रखी है, किस विषय में रखी है? ये हम लोगों ने कोरोना के बचाव के लिए एक मीटिंग रखी है, जिसमें सभी सचिव और GRS और पटवारी को बुलाया गया था, जिससे आगे की रणनीति हम लोग विचार कर सके और उन्हें निर्देश दे सके। किस किस विषय में? कि हम लोग कैसे आगे आने वाले जो मजदूर हैं, जो अभी RIMM में चालू हो रही है, तो उन लोगों को किस तरीके से क्वारंटाइन करेंगे, किस तरह से उनकी सैंपलिंग की जाएगी और क्या हमारी पूरी व्यवस्था रहेगी, उसके साथ हम लोग जांच करेंगे। कितनी पंचायत के सचिव हैं यहाँ पर? इसमें छीमक के सभी लोग हैं, इसमें 9 ग्राम पंचायतों को बुलाया गया है। हम लोग टुकड़ों में कर रहे हैं, जिससे कि पूरी कठिनाई इसलिए मीटिंग।